एमपी के रीवा में सुहागी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध टैबलेट के विरुद्ध की कार्यवाही। चेकिंग के दौरान एक झोले के अंदर 30 नग डिब्बा में कुल 7,200 नशीली टैबलेट की जब्त। दो आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। यूपी प्रयागराज की तरफ से गढ़ ले जा रहे थे नशीली टैबलेट। सुहागी थाना क्षेत्र की घटना। ये कल की बात है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र में नशे पर हम लगाम लगा सकें और ऐसे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगा सकें। इसी तारतम्य में हमने वाहन चेकिंग भी लगाई हुई थी कल, और उस दौरान हमें लगा कि इसमें कुछ संदिग्ध हो सकता है। तो एक मोटरसाइकिल में दो युवक जो प्रयागराज से जा रहे थे, गढ़ के तरफ जा रहे थे, तो उसमें मोटरसाइकिल थी, एक होंडा मोटरसाइकिल जिसमें दो व्यक्ति थे। वो एक झोला लिए हुए थे बड़ा, और उस झोले को जब पुलिस को उन्होंने देखा तो इधर उधर करने लगे, फिर घेराबंदी करके पुलिस ने पकड़ा। उस झोले के अंदर पुलिस ने पाया कि एक नीले रंग का झोला लगभग, जिसमें 30 नग डिब्बे जिसमें दवाइयाँ रखी हुई हैं। दवाइयों के बारे में तस्दीक की गई तो ये पाया गया कि ये दवाइयाँ वर्तमान समय में नशे के रूप में भी प्रयुक्त किए जा रही हैं। वो लगभग 30 नग डब्बों में कुल 7,200 नशीली टैबलेट थी, जो लगभग लगभग 65,000 रुपये कीमती की थी। इसके अलावा इनसे इनकी मोटरसाइकिल की भी जब्ती की गई है, और इनके मोबाइल और इनके पास से मिले 2,000 रुपये भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इस प्रकार कुल लगभग 1,26,000 का मशरूका इन दोनों आरोपियों से। ये लगभग दो लोग थे और ये दोनों ही जा रहे थे। इनके नाम है एक रोहित कुशवाहा, पिता छटीलाल कुशवाहा, ये ग्राम टिकुरी थाना गढ़ के हैं, और दूसरे शिवेंद्र सोनी, पिता दिनेश सोनी, ये मनकहरी ग्राम थाना नईगढ़ी के हैं। ये दोनों यहाँ से जा रहे थे, इस पर पुलिस ने पकड़कर कार्रवाई की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।